हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूं। मैं आपको बताता हूं नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, बावल में, गाजियाबाद में जॉब कैसे मिलता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। बस हमारी यही पहल होती है जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको जॉब कैसे दिलाया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब तक मेरी 2000 से ज़्यादा वीडियो आ चुकी है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं किसी को आपको पैसे नहीं देने हैं, एक रुपया नहीं देना। अगर मेरे भाई आप पैसे देते हो या पैसे की कोई डिमांड करता है तो आप मुझे बताना, लेकिन पैसे नहीं देना सर। अगर आप पैसे देंगे तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बता दूँ, विनस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, विनस कंपनी का नाम है जो कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है और ये स्कूटी के पार्ट बनाती है जो कि वर्क होने वाला है। ये मारुति सुजुकी ये होंडा का पार्ट बनाती है, ठीक है, मारुति सुजुकी होंडा का पार्ट बनाती है जो कि स्कूटर के पार्ट बनाती है कह सकते हैं। विनस कंपनी का नाम है, मारुति सुजुकी होंडा स्कूटर का पार्ट बनती है और उसी लाइन में आपको वर्क भी करना होगा। इसमें ड्यूटी टाइम इसमें ज़्यादा बेस्ट होने वाला है आपका। इसमें आपको 8 घंटे का वर्क भी करना होगा और 12 घंटे का भी वर्क करना होगा। पहले हम 8 घंटे का आपको बता देते हैं, उसके बाद 12 घंटे का बताते हैं। कंपनी वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। फुल एड्रेस अगर हम बात करें तो एड्रेस ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, अलग लोकेशन के लिए होने वाला है, नोएडा से हट के लोकेशन के लिए होने वाला है। एज क्राइटेरिया इसमें होने वाला है 18 से 30। यार सारी कंपनियाँ ये 18 से 30 करती है ना, सच बड़ी खुन्नस सी आती है यार। यार बताओ 30 साल, हद है यार, मतलब 18 से 30 साल, 30 साल के ऊपर के बंदे को लेंगे नहीं। 30 साल से जो ऊपर है बंदे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे? उनके बीवी बच्चे, उनकी फैमिली परिवार नहीं है, वो क्या काम करेंगे, उनका पेट कैसे चलेगा? ये किसी को समझ नहीं है, बस लिख दिया 18 से 30। क्या 18 से 30 साल वाले काम नहीं करना चाहते हैं या काम कर नहीं पाएंगे? भाई साहब, वो 18 साल से बंदे से ज़्यादा काम करेंगे, ये बता दूँ। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, इसमें आल ट्रेड ITI ले रहे हैं। सैलरी हो जो होगी 12 घंटे 26 दिन की जो सैलरी होगी 19,000 CTC होगी। इन हैंड जो होगा वो 17,700 होगा। 10th 12th वालों की जो सैलरी होगी 12 घंटे की वो 18,017 रुपये होगी। CTC इन हैंड जो होगी 16,376 रुपये होगी। ITI वालों की अगर हम बात करें, OT तो 60 रुपये पर घंटे हैं अगर 8 घंटे चले तो। 10th 12th वालों की है 55 रुपये पर घंटे, ठीक है, अगर 8 घंटे चलता है या 12 घंटे चलता है। अगर एक्स्ट्रा आपसे काम कराता है कंपनी तो ITI वालों की 60 रुपये पर घंटे हैं और 10th 12th वालों की 55 रुपये पर घंटे हैं। कंपनी प्रोवाइड क्या कर रहा है, फैसिलिटी की बात करें तो कैंटीन भी है, बस भी है, ड्रेस भी है और संडे ऑफ भी है, ठीक है। इसमें कैंटीन की भी सुविधा है, बस की भी सुविधा है, ड्रेस भी है और संडे ऑफ है। ये आप देख पा रहे हो, ये आप देख लो ना, सब कुछ देख लो भाई, ऐसा नहीं है। हमारे चैनल से अगर आप लोग जुड़े हो तो भाई साहब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई सी वीडियो बना के उठा के बना दिया। अभी मेरे पास एयरपोर्ट की वीडियो आ रही थी, अभी लास्ट में आपको बताता हूँ। ओवर टाइम आपको बता दी मैंने, 55 रुपये फैसिलिटी बता दी। इसमें रूम रेंट का 1,000 रुपये पर कैंडिडेट है। अगर आप जाते हो आप 1,000 रुपये दोगे, 1,000 रुपये में आपको रूम भी मिल जाएगा। मतलब हर महीने आपको 1,000 रुपये देना होता है रूम का, क्योंकि वहाँ पे कंपनी का हॉस्टल होता है ना। उस हॉस्टल में मतलब मतलब होटल टाइप का होता है, हॉस्टल टाइप का, तो उसमें 3 से 4 बंदे रहते हैं। तो क्या होता है ना, शेयरिंग में आपको मिल जाती है। जो शेयरिंग में मिल जाए तो क्या दिक्कत है, आराम से 4,000-5,000 लेने की ज़रूरत क्या है? जब हमारा 1,000 में काम हो रहा है तो क्यों हम 5,000 या 4,000 दें भाई? वही 4,000-5,000 हम सेविंग करके रखेंगे तो 12 अगर 1 साल भी रुक गए हम तो 36,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं उसकी। हम बाइक फाइनेंस करा सकते हैं बहुत आराम से। अगर सोचो तो कुछ, सोचो तो बहुत कुछ है, नहीं सोचो तो कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो बहता पानी। मेहनत जब तक करोगे नहीं भाई साहब, आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि एग्जांपल सर मैं आपको बता दूं, आप पूजा करते हो, पूजा किसकी करते हो? पहले पहले उस पत्थर को मार पड़ती है, पत्थर को मार पड़ती है। जब पत्थर एकदम प्रॉपर तरीके से उस आकार में आ जाता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं। उसने अपनी पूजा करवाने के लिए भी खुद पे सहा है, चीज़ें झेला है, मार पड़ी है उस पर। किसी ने लोहे से मारा, किसी ने पत्थर से मारा, किसी ने रौंदे से मारा, हर तरीके से उस पर वार पड़ा है। और एक दिन उसका ऐसा काम हो गया कि लोग उसके पूजा करते हैं। तो इसी तरीके से आप खुद को इस तरीके से बना लो कि लोग आपको माने, लोग आपको जाने। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे भाई साहब, लाइफ में आगे नहीं जा सकते। मैंने मेहनत करी है, जितना मैंने मेहनत किया मुझे पता है मुझे इतना ही फल मिलेगा। अगर मैं 10% मेहनत करके 100% की डिमांड करूँ पैसे की, तो नहीं हो सकता। आप मेहनत 2 घंटे की करो और पैसे 10 घंटे की लो तो कोई देगा? नहीं देगा। तो वैसे ये भी वह। तो हाल फिलहाल आज मैं आपको बता देता हूँ
ये जो है विनस कंपनी का नाम है, जो कि स्कूटी बनाती है, मारुति सुजुकी के पार्ट बनाती है, उसका स्कूटी है ना मारुति सुजुकी, उसी के लाइन में आपको काम करना है। काफ़ी अच्छा होने वाला है, आराम का काम है, कोई प्रेशराइज वर्क नहीं, कोई प्रोडक्शन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बात नहीं कर सकते, कुछ कंपनियाँ तो ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे पास पास में बंदे खड़े होकर काम कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं करते भाई साहब। जैसे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठे हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या होता था यार, अगर हम पेपर लिख रहे हैं ना सर, ऐसे भी नहीं कर सकते थे, गर्दन दर्द करने लगती थी यार। आप लोग कमेंट करके बताना किसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर से आई विल रिपीट इट, देखो क्वालिफिकेशन जो इसमें है, ऑल ट्रेड है, ITI, सैलरी की जो 12 घंटे की 19,000, CTC आपका है 17,700 इन हैंड है, 10th 12th वाले को 18,017 रुपये, CTC इन हैंड 16,376 रुपये, ओवर टाइम 60 रुपये घंटे ITI वालों की, 55 रुपये घंटे 10th 12th वालों की, कैंटीन की सुविधा है, संडे ऑफ है। अब संडे ऑफ होना भी चाहिए भाई साहब, बंदा कितना काम करेगा, कितना कराना चाहते हो आप ये बताओ यार। 26 दिन काम कर रहा है वो, 8 घंटे या 10 घंटे बाटे पर जो भी कर रहा है भाई साहब, संडे को तो पर्सनल टाइम के लिए भी चाहिए, कपड़े धोना, वैसे ही बाहर जाना भाई साहब बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है शिफ्ट में भाई साहब। जो फ्रेशर बंदा है जो बाहर कभी नहीं रहा है भाई साहब, वो नहीं रह पाएगा। बंदा वही रह सकता है जो जिसने काम किया, जिसने बाहर जाके झेला वो चीज़ें, जिसने ऑलरेडी बाहर का सफ़र किया वही कर सकता है। अदरवाइज़ आप किसी से भेज दो, चलो यार आप दिल्ली रह लो, चलो आप मुंबई रह लो, तो नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा यार, मुझे पता है ना। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम जब हम भी आए थे, हमारा भी एक टाइम था, हम आए थे और एक हमारा भाई था, मतलब चाचा का लड़का था भाई साहब, यूँ समझो कि एक दिन एक महीना जैसा गुजर रहा था। हम लोग आए थे दिल्ली, उसके बाद काम किया नोएडा के अंदर 26 दिन भाई साहब, 26 दिन ऐसा लग रहा था 26 साल काम किया है भाई, 26 साल सोचो, 26 साल मायने होता है भाई, और 26 दिन कुछ नहीं होता इस तरीके से। मतलब जो बंदा नहीं किया नहीं कर पाएगा भाई, मैं पहले बताता हूँ। और जो करने वाले बंदे वही जाना, टाइम पास वाले मत जाना भाई साहब, सही बता रहा हूँ। वैसे सभी हमारे भाई करने वाले ही हैं, सभी अच्छे सब्सक्राइबर्स हमारे, दिल से सैल्यूट करता हूँ उन भाइयों को, उन भाइयों को अपनी फैमिली मानता हूँ। कभी मैंने ये नहीं कहा सब्सक्राइबर्स, मैं कहता हूँ सभी सभी भाइयों का हमारे चैनल पर स्वागत है, ऐसे कहता हूँ। और ये कहता हूँ आप सभी हमारी फैमिली हो, दिल से सैल्यूट करता हूँ आप सभी का, यकीन मानो। अच्छा चलो ये तो बात की बात हो गई, मैंने सैलरी वगैरह सब कुछ बताया, क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ, मेरे पास कॉल आ रही है सर एयरपोर्ट के लिए, सर एयरपोर्ट में हमारे पास जॉब है, मैं आपको JD वगैरह भेज देता हूँ, प्लीज़ आप एक वीडियो बना दें। मैंने क्या सैलरी है सर, कहें कि आपको JD भेजा है, मैंने वहाँ पर देखा, एक तो कैंटीन में रहना है, दूसरा सुपरवाइज़र में रहना है, तीसरा ड्राइवर के साथ में रहना है, चौथा माल ऊपर से लेके जाना है, मतलब जो हवाई जहाज़ में माल जाता है वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम है, स्वीपर का काम है, ठीक है। सैलरी यहाँ पे है तकरीबन 20,000+ है, 20,000+ सैलरी है 10th 12th वालों का। मैंने कहा ठीक है, इसमें कितना पैसा देना है, उन्होंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मैं आपसे एक बार मिलना चाह रहा हूँ, यही क्या है मेरठ साइड के ही है। मैंने उनसे कहा मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो बोले कि चलो ठीक है आ जाओ। अब जब मैं मिलने के लिए उनसे जा रहा हूँ तो बहाना कर रहे हैं, कहने की सर मैं सॉरी सर मैं तो आज यहाँ निकल गया, सॉरी सर मैं आज तो यहाँ निकल गया, जबकि वो मुझे लोकेशन पे बुला के नहीं मिल रहा है। सोचो, तो जब मुझसे नहीं मुलाकात कर रहे हैं तो मैं हमारे कैंडिडेट से क्या मुलाकात करेंगे, उनको क्या जॉब देंगे भाई। इसीलिए मैंने कहा भाई मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, पहले मैं आपसे मिलूँगा, और जब मिलूँगा तो मैं आपकी ही वीडियो बनाऊँगा भाई। अगर आप किसी तरीके से अगर आप फ्रॉड करोगे तो भाई साहब वो आप ही करोगे, क्योंकि मैं लाइव रिपोर्टिंग करता हूँ भाई, मैं अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, मैं सीधा मैं उस बंदे से बात करता हूँ जो जिस बंदे के पास जॉब होता है, सीधे सिंपल सा फंडा है भाई, मैं अपने ऊपर नहीं रहता। कल को एंडिट मुझे ना कहा भाई सर हम आपके हम आपने बताया था आप गए थे, इस पर पूरे मुझे भरोसा है, इस पर मुझे पूरा भरोसा है 100%, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको एक नंबर मिलेगा जो कि रहेंगे विकी जी, विकी जी का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, विकी जी का नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है, इनसे आप बात कर सकते हैं। ये घर से निकलने से लेकर कंपनी पहुँचने तक प्रॉपर आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, गाइड करेंगे, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती वहाँ पे, आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, ये आपसे बात करते रहेंगे। आपको 1% भी नहीं घबराना, डरना नहीं है कि वहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना साहब। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई चैनल को सपोर्ट करना। चले मिलते हैं नई वीडियो में, नई नौकरी से, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो में तब तक के लिए बाय।